ओके स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। और पॉलिटी में हम लोगों ने पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में गवर्नर के बारे में पढ़ा था, है ना। तो बताओ गवर्नर से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल हमने देख लिए थे। आर्टिकल 152 से लेकर के आर्टिकल 159 तक हमने समझ लिया। चलते एक क्विक रिविजन करते हैं और उसके आगे बढ़ते हैं। आज हम गवर्नर को खत्म करेंगे, ठीक है। ओके बताओ पार्ट सिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आर्टिकल से लेकर के कहां से कहां तक आएगा। 152 से लेकर के 237, है ना। इसमें हमने सबसे पहले देखा था गवर्नर, इसके बारे में गवर्नर यानी राज्यपाल का अगर हम बात करें एक ट्रिक क्या था। ट्रिक था रकानी कायोसस, ठीक है। रकानी कायोसस कहां से शुरू होता था। ये शुरू होता था 152 में क्या था, तो स्टेट की परिभाषा था कि भाई स्टेट क्या होता है। हम मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए कि वो स्टेट कहलाएगा। जैसे उसके पास खुद का एरिया होना चाहिए, वहां उसकी जनसंख्या होनी चाहिए, वहां राज करने के लिए सरकार होनी चाहिए, लेकिन उसके पास सोवरेनिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी एरिया के पास अगर सोवरेनिटी आ जाएगी तो वो स्टेट न कहला करके एक देश बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमने 152 में देखा था। उसके बाद शुरू हुआ था गवर्नर, ट्रिक क्या था, रकानी कायोसस 153 से शुरू हुआ था। र से यानी राज्यपाल का पद, त से कार्यपालिका का हेड थे 154, फिर 157 के बाद 158 के बाद 159, यहां तक हमने पढ़ा था। र से क्या था, राज्यपाल का पद, क से कार्यपालिका का प्रधान यानी हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, नी से नियुक्ति था, का से कार्यकाल, यो से योग्यता, स से शर्ते और दूसरा स से शपथ, ठीक है। इतना क्लियर है। ओके अब आगे हम चलते हैं, आगे का आर्टिकल समझते हैं। तो भाई अब आएगा 159 के बाद आता है आर्टिकल 160। देखो 160 में कहा जाता है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए, ठीक है, कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए जो कॉन्स्टिट्यूशन में न दी गई हो, तो उस वक्त भी किसी राज्य की सारी जिम्मेदारी इसके पास आ जाएगी, गवर्नर के पास यानी राज्यपाल के पास। जैसे हमने प्रेसिडेंट पढ़ा था, प्रेसिडेंट के बाद फिर हमने वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा था, और वाइस प्रेसिडेंट का काम होता है कि वो हमेशा टुकुर देखता रहता है कि कब प्रेसिडेंट हटे और मैं उसके पोस्ट पर चले जाऊं। और प्रेसिडेंट के हटने के हमने 4-5 रीजन पढ़े थे कि उनकी मृत्यु हो जाए, त्याग पत्र दे दे, उनका इलेक्शन गलत हो जाए, वो कहीं पर चले जाते हैं, ठीक है, विदेश दौरे के लिए कुछ वक्त के लिए। तो वैसे सिचुएशन में वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाते हैं, यानी देश की जिम्मेदारी वाइस प्रेसिडेंट के पास चली जाती है। लेकिन देश के अंदर जो राज्य है, ठीक है, देश के अंदर जो राज्य है वहां पर क्या क्या घटनाएं हो जाएंगी, तो राज्य की सारी जिम्मेदारी किसको दे दी जाएगी, राज्यपाल को, क्योंकि राज्यपाल क्या होता है, उस राज्य का हेड होता है, है ना। तो हमको कुछ चीजें पता है कि जैसे अगर किसी राज्य में इमरजेंसी लग गई, ठीक है, स्टेट इमरजेंसी कौन लगाता है, प्रेसिडेंट लगाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में सारी की सारी शक्तियां राज्यपाल के पास चली जाती है। लेकिन अगर कुछ ऐसा भी सिचुएशन हो जाए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना दिया हो, तब वो ऐसी सिचुएशन में भी राज्य की सारी पावर किसके पास चली जाएगी, गवर्नर के पास। ये आर्टिकल 16 लिखा है। अब कुछ ऐसा क्या हो जाए, जैसे मान लो कि
जो जम्मू कश्मीर है, ठीक है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अगर जो पार्लियामेंट है वो वहां पर ऐसे पास कर दे कि भाई जम्मू कश्मीर आज से भारत का हिस्सा नहीं रहेगा, ऐसा वहां के पार्लियामेंट, वहां की जो संसद ये है विधानसभा है, वो एक बिल पास कर दे। तो बिल पर आखिरी सिग्नेचर किसका होता है? राज्यपाल का होता है, ठीक है। और राज्यपाल ये बात किसको बताएंगे? तुरंत तुरंत सेंटर को बता देंगे, और सेंटर ऐसी सिचुएशन में क्या कर देगी? इमरजेंसी लगा देगी। तो जैसे सेंटर इमरजेंसी यानी स्टेट इमरजेंसी लगाएगी, तब राज्यपाल आ जाएंगे राज्य की सारी शक्तियां संभालने के लिए, यानी पूरा का पूरा राज्य उनके कंट्रोल में हो जाएगा। राज्यपाल जैसे करना चाहे वैसे कर सकते हैं, जैसे करना चाहे वैसे कर सकते हैं। इतना क्लियर है? तो 160 में यही बात कही गई है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज नहीं दी गई है उसके अलावा भी कोई सिचुएशन अगर अराइज हो जाए तो भी राज्य की सारी शक्तियां राज्यपाल के पास चली जाएंगी। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो एक्स्ट्रा पावर या एक्स्ट्रा या अदर इमरजेंसी लिख दूं, एक्स्ट्रा पावर के साथ अदर इमरजेंसी, अदर इमरजेंसी या कंडीशन विच नॉट इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन, देन द होल पावर ऑफ स्टेट गोइंग टू गवर्नर, ठीक है, ओके। उसके बाद आर्टिकल 161, उसके बाद क्या आएगा? 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति क्या है? राज्यपाल की क्षमा दान शक्तियां, यानी पार्डन पावर ऑफ गवर्नर, क्या कहेंगे इसको? पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर, पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर। तो देखो जैसे हमने आर्टिकल 72 में पढ़ा था प्रेसिडेंट की क्षमादान शक्तियां यानी प्रेसिडेंशियल पार्डनिंग पावर, वैसे ही आर्टिकल 161 में इसकी शक्तियों के बारे में है, गवर्नर की शक्तियों के बारे में है, ठीक है, गवर्नर की शक्तियों के बारे में है। देखो प्रेसिडेंट और गवर्नर, गवर्नर की शक्तियों में सिर्फ फर्क क्या है कि जो मैं यहाँ एक तरफ लिखता हूँ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और यहाँ पर लिख देता हूँ गवर्नर, गवर्नर। देखो प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट किसी की डेथ की सजा को माफ कर सकते हैं लेकिन गवर्नर नहीं कर सकते हैं। प्रेसिडेंट मिलिट्री या कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल में इंटरफेयर कर सकते हैं, ठीक है, कोर्ट मार्शल में इंटरफेयर कर सकते हैं, यानी आर्मी नेवी एयरफोर्स किसी भी पर्सनल को कोई सजा दी गई है तो उनके सजा को माफ कर सकते हैं लेकिन गवर्नर नहीं कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं प्रेसिडेंट माफ? क्योंकि प्रेसिडेंट तीनों सेनाओं का क्या होता है? अध्यक्ष होता है ना, प्रेसिडेंट तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। इतना क्लियर है? अच्छा बाकी जो पांच तरीके की क्षमादान शक्तियां थी जैसे कि पार्डनिंग, परमिशन, रिमिशन, रिप्राइव, रिस्पाइट, जो चीज हमने प्रेसिडेंट में पढ़ा था वो चीज गवर्नर में भी लागू होता है। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या है? गवर्नर डेथ सेंटेंस को माफ नहीं कर सकते हैं, कोर्ट मार्शल में इंटरफेयर नहीं कर सकते, ठीक है, कोर्ट मार्शल में इंटरफेयर नहीं कर सकते। इतना क्लियर है? बताओ, अच्छा गवर्नर कोई भी सजा को जब माफ करेंगे या कोई भी अपना काम करेंगे तो क्या अपने आप से कर लेते हैं? इनको सजेस्ट करने के लिए राज्य में बनाई जाती है होम मिनिस्ट्री। जैसे प्रेसिडेंट को सजेस्ट कौन करता है? गृह मंत्रालय। किसी की अगर डेथ सेंटेंस को माफ करना रहता है तो गृह मंत्रालय वहां पर उनको सजेशन देता है। वैसे ही यहाँ पर गवर्नर को किसी की सजा को कम करना है, बढ़ाना है, उसका नेचर बदलना है, टाइमिंग बदलना है,
इन सब चीजों के बारे में जो सजेशन देगा वो कौन देगा? वो देगा यहाँ का जो राज्य का गृह मंत्रालय, ठीक है, होम मिनिस्ट्री, राज्य का होम मिनिस्ट्री। सजेशन कौन देगा? सजेशन सजेशन देगा स्टेट होम मिनिस्ट्री, स्टेट होम मिनिस्ट्री, ठीक है, स्टेट की होम मिनिस्ट्री उन्हें सजेशन देगी। तथा होम मिनिस्ट्री जो रहेगी या मंत्री पूरा का पूरा अगर हम कहें राज्य का जो मंत्रिमंडल होता है वो किसके कंट्रोल में होता है? वो होता है चीफ मिनिस्टर के कंट्रोल में। जैसे सेंट्रल का पूरा मंत्रिमंडल किसके कंट्रोल में होता है? प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में। वैसे ही राज्य की सारी जो मंत्रालय होगी वो किसके कंट्रोल में रहती है? चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो जैसे हमने पार्ट 5 में पढ़ा था सेम टू सेम पार्ट 6 में है, सेम टू सेम पार्ट 6 में, ठीक है। अब हमने जैसे वहां पर प्रेसिडेंट की अलग अलग शक्तियां पड़ी थी वैसे यहाँ पर राज्यपाल की भी अलग अलग शक्तियां हैं। तो हम राज्यपाल की उन शक्तियों को थोड़ा थोड़ा करके देख लेते हैं, ठीक है। मैं पहले यहां लिखता हूं गवर्नर, गवर्नर पावर, पावर्स क्या क्या है शक्तियां, तो पहले मैं एक बार लिख देता हूं फिर उनके बारे में समझाता हूं, ठीक है। जैसे गवर्नर के पास होती है लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर, एक नंबर डाल देता हूं इसे, लेजिस्लेटिव पावर। उसके बाद गवर्नर के पास होती है एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, मैं समझाऊंगा सब क्या होता है, ठीक है। फिर गवर्नर के पास हमें देखने को मिलेंगी फाइनेंशियल पावर, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल पावर। फिर गवर्नर के पास हमें देखने को मिलेंगी एजुकेशनल पावर, एजुकेशनल पावर, ठीक है। फिर हमें गवर्नर के पास और क्या देखने को मिलेगा, तो इमरजेंसी, इमरजेंसी पावर, इमरजेंसी पावर, ठीक है। उसके बाद गवर्नर के पास होते हैं स्पेशल राइट यानी विशेषाधिकार, स्पेशल राइट पावर, स्पेशल राइट पावर, ठीक है, स्पेशल राइट पावर। और फिर गवर्नर के पास एक और चीज होती है उसे हम कहते हैं डिस्क्रिशनरी पावर यानी विवेकाधिकार, इस क्रिएशनरी पावर, इस क्रिएशनरी पावर, ठीक है। ये इतने तरीके की गवर्नर के पास शक्तियां होती है, हमें ये इनको याद नहीं रखना है, इनको हमें कंसेप्ट वाइज समझना है, कंसेप्ट वाइज ये क्या होती है। लेजिस्लेटिव को हम कहते हैं विधायी शक्ति, विधायी। अब विधायी का क्या मतलब है, जैसे हमारे पार्लियामेंट में क्या बनता है, नियम कानून बनता है, वैसे ही मैं यहाँ समझाता हूँ कि जैसे भारत है, ठीक है, भारत में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंटर है, सेंटर में क्या है, लोकसभा, राज्यसभा, इसे हम कहते हैं पार्लियामेंट, पार्लिया। वैसे ही जो हर राज्य होते हैं, राज्य हमारे राज्यों में होती है लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर यानी इसको हम कहते हैं विधानमंडल, विधान, ठीक है, विधानमंडल। और विधानमंडल के दो भाग, विधानसभा, विधान परिषद। हालांकि विधान परिषद पूरे देश में नहीं है, कुछ 5 से 6 राज्य हैं, 6 राज्य उन्हीं के पास विधान परिषद है। तो हम जब विधानसभा विधान परिषद समझेंगे तो उनको बताऊंगा कि कहां कहां पर है ये विधान परिषद। तो अमूमन समझ के चलते हैं कि भाई लेजिस्लेचर में कितने सदन, 2, विधानसभा विधान परिषद। और राज्यों के लिए जो नियम कानून बनते हैं वो कहां बनते हैं, इसी विधानसभा में, विधानसभा में। तो देखो कोई भी
बिल आएगा, वो विधानसभा में पास होगा और बिल पास हो करके वो कहाँ जाएगा, गवर्नर के पास सिग्नेचर के लिए। और जैसे ही गवर्नर उस पर साइन करेंगे, जैसे ही गवर्नर उस पर साइन करेंगे वो क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। तो बिल पर सिग्नेचर, ठीक है, बिल पर सिग्नेचर करने का काम होता है। फिर जब पहली बार लोकसभा, मतलब लोकसभा आती है तो उसको कौन बुलाते थे, प्रेसिडेंट। वैसे ही जब विधानसभा को बुलाना होगा पहली पहली बार, तो उन्हें समन करने का अधिकार किसके पास होता है, गवर्नर के पास। तो समन करने का अधिकार, समन यानी विधानसभा को बुलाने का अधिकार, ठीक है। मैं यहाँ बना देता हूँ ताकि ये दिमाग में रहे, मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ, विधान सभा। उसके बाद जब सत्र खत्म हो जाए, तब सभी लोगों को अपने घर भेजने की जिम्मेदारी होती है गवर्नर के पास, यानी उसे हम कहते हैं प्रोरोगेशन। क्या कहते हैं, सत्रावसान, प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन को क्या कहते हैं, सत्रावसान, सत्रावसान, सत्रावसान। तो नियम कानून से रिलेटेड या विधानमंडल से रिलेटेड जितने भी पावर होंगे वो गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर के अंडर आएंगे, ठीक है, गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर के अंडर आएंगे। इतना क्लियर है, ओके। उसके बाद आते हैं हम लोग एग्जीक्यूटिव पर। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है, कार्यकारी, कार्यकारी यानी डिपार्टमेंटल। तो सोचो किसी भी डिपार्टमेंट में किसी का अपॉइंटमेंट करना है, क्या करना है, अपॉइंटमेंट, तो किसके हस्ताक्षर से होगा, किसके सिग्नेचर से, गवर्नर के सिग्नेचर से। किसी का ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर, तो सिग्नेचर किसका होगा, गवर्नर का। लेकिन बताओ किसी का ट्रांसफर करना है, किसी को अपॉइंट करना है या किसी को प्रमोट करना है, प्रमोशन, प्रमोशन, किसका हस्ताक्षर होगा, किसका सिग्नेचर होगा, गवर्नर का। लेकिन क्या गवर्नर अपने मन से सारा काम कर देंगे, ये सारी की सारी जो रिकमेंडेशन दी जाएगी वो मंत्रिमंडल के द्वारा दी जाएगी, है ना। और मंत्रिमंडल का हेड यहाँ कौन होगा, सीएम, सीएम। इसीलिए गवर्नर के पास ऑफिशियल पावर होता है, लेकिन रियल पावर चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के पास होता है, समझ में आया, ओके। तो किसी को अपॉइंटमेंट करना, ट्रांसफर करना, प्रमोशन करना या किसी को सस्पेंड करना, किसी को सस्पेंड करना, ये किसके, किसके सिग्नेचर से होगा, गवर्नर के। तो ये सारी की सारी डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी काम काज होंगे, जितना पावर होगा वो किसमें आ जाएगा, गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर में, गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर में, ठीक है। अब आते हैं फाइनेंशियल पावर। तो फाइनेंशियल पावर की अगर हम बात करें तो जैसे सेंटर में बजट को पास करने का अधिकार किसके पास था, आर्टिकल 112 में, प्रेसिडेंट के पास। लेकिन प्रेसिडेंट पास न करके, खुद पास न करके किसको भेजते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर को। उसी तरीके से हमारे स्टेट में अगर बात करेंगे तो फाइनेंशियल पावर के तहत जो बजट होता है, बजट, बजट, बजट को पेश करने का जो अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर के पास दिया गया है। लेकिन लेकिन बजट को कौन पेश करता है, फाइनेंस कमिश्नर, ठीक है। फाइनेंस कमिश्नर मतलब जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो पास करेंगे, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर। किसके कहने पर करते हैं, गवर्नर के बिहाफ पर, गवर्नर के बिहाफ पर, या गवर्नर जिसे कह देंगे वो उस राज्य का बजट पेश कर देगा, ठीक है। गवर्नर जिसे कह देंगे वो उस राज्य का बजट क्या कर देगा, पास कर देगा, ठीक है। अब जैसे राज्यों में होती है पंचायत वगैरह, पंचायतों को इतना पैसा अलॉट करना है, ठीक है, वो डिसाइड करने का काम कौन करता है, फाइनेंस कमीशन, ठीक है। लेकिन वो पैसा पंचायत को जाएगा कि नहीं जाएगा, उस पर आखिरी सिग्नेचर किसका होगा, गवर्नर का, ठीक है। तो पैसे से रिलेटेड कोई भी पावर की अगर हम बात करेंगे वो किसमें आ जाएगा, गवर्नर के फाइनेंशियल पावर में,
गवर्नर के फाइनेंशियल पावर में। इतना क्लियर है? ओके। उसके बाद आते हैं एजुकेशनल पावर में। देखो हर राज्य में यूनिवर्सिटी होती है और यूनिवर्सिटी हमको पता है कई तरीके की होती है, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई, स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई, और उसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है। ठीक है, देखो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है वहां पर बैठता है चांसलर, है ना, वहां पर बैठता है चांसलर। और जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती है, चांसलर मतलब वहां पर जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं एक्चुअली में, वो वहां के चांसलर होते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के। लेकिन जो स्टेट की यूनिवर्सिटी होती है वहां पर भी बैठते हैं चांसलर, और वहां के चांसलर होते हैं गवर्नर, लेकिन गवर्नर खुद न बैठ करके एक बैठाते हैं वीसी को, यानी वॉइस चांसलर को, है वॉइस चांसलर को, वॉइस चांसलर को। अभी हम कहते हैं कि किसी यूनिवर्सिटी में अगर कोई प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा होता है तो सब पहले बात करते हैं कि वीसी को बुलाया जाए, वॉइस चांसलर को बुलाया जाए, हम डायरेक्ट उससे बात करेंगे। वॉइस चांसलर का कनेक्शन किसके साथ रहता है? डायरेक्ट गवर्नर के साथ। तो एजुकेशनल राइट के तहत गवर्नर किसी भी जो राज्य होता है, राज्य के यूनिवर्सिटी का क्या होता है? चांसलर होता है। लेकिन वो खुद न बैठ करके किसी और को बिठाता है, उसको हम कहते हैं वॉइस चांसलर, वॉइस चांसलर। ठीक है, वॉइस चांसलर, बहुत बढ़िया। उसके बाद अगर हम इमरजेंसी की बात करेंगे, इमरजेंसी पावर, तो मैं इस चीजों को दूसरे पेज पर ले लेता हूँ। जैसे अलग दो इमरजेंसी, अब देखो आपात, इमरजेंसी क्या कहते हैं? आपात। किसी भी राज्य में आपात लगाना है तो आपात लगाने की जिम्मेदारी क्या गवर्नर के पास होती है? नहीं, आपात लगाने की जिम्मेदारी राजकीय आपात, राजकीय आपात, जिसको हम क्या कहते हैं? स्टेट इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी। इसकी चर्चा किसमें है? आर्टिकल 356 में। जब हम लोग इमरजेंसी पढ़ेंगे तो उसको समझेंगे। वैसे हमने प्रेसिडेंट के पावर्स पढ़े थे तो उसमें भी समझे थे, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होता है, कब कब लाया जाता है, वो सब पढ़ा था। तो स्टेट इमरजेंसी लगाने का जो अधिकार होता है, राइट, किसके पास है? वो होता है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट के पास। लेकिन किसी भी राज्य में स्टेट इमरजेंसी लगाना है या नहीं लगाना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, क्या सजेशन देता है, फॉर्मेशन या सजेशन, सजेशन कौन देगा? देगा गवर्नर, यानी राज्यपाल। क्योंकि राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। राज्यपाल सेंटर का भेजा हुआ आदमी होता है, राज्य में क्या हो रहा है वो वीकली रिपोर्ट किसे सब सौंपता है? सेंटर को। ठीक है, सेंटर को। तो अगर राज्य में कुछ गड़बड़ हुआ, कुछ उल्टा सीधा बिल पारित हुआ, या लोगों ने हथियार लेकर के विद्रोह कर दिया, तो वो जानकारी किसको दे देगा? सीधा सेंटर को। और सेंटर राज्य में क्या लगा देगी? राजकीय आपात, राजकीय आपात, समझ में आया? राजकीय आपात। और जैसे ही राजकीय आपात लगाएगी सेंटर, सारा का सारा पावर किसके पास आ जाएगा? सारा का सारा पावर आ जाएगा गवर्नर के पास। ऑल पावर कम्स टू गवर्नर। ठीक है, राजकीय आपात लगाते ही सारा का सारा पावर गवर्नर के पास आ जाता है। तो ये इमरजेंसी शक्तियां समझ में आ गई, इमरजेंसी में, अर्जेंसी में। उसके बाद हम कुछ देख लेते हैं कि स्पेशल राइट, यानी विशेषाधिकार। विशेषाधिकार क्या है? क्या है विशेषाधिकार? मैं यहां लिखता हूं स्पेशल राइट, स्पेशल राइट, विशेषाधिकार। देखो स्पेशल राइट के तहत, देखो जैसे हमने प्रेसिडेंट की स्पेशल राइट में देखा था कि जब तक प्रेसिडेंट अपने पोस्ट पर होते हैं
हम उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं चला सकते, ठीक है, हम उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास ये पावर है आर्टिकल 72 के तहत, वो अपनी सजा को माफ कर सकते। वैसे ही गवर्नर के पास भी ये स्पेशल राइट है कि हम इनके ऊपर क्रिमिनल केस नहीं चला सकते, क्रिमिनल केस नहीं चला सकते हैं, इन्हें हम अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। इनके ऊपर जो दीवानी मुकदमा होता है ना, देखो मुकदमे भी दो तरीके के होते हैं, एक क्रिमिनल यानी आपराधिक जिसमें हम क्राइम किए रहते हैं और हमें सजा मिलती है जेल में जाने के लिए, और एक दूसरा होता है दीवानी जो पैसे वगैरह से लेन देन से रिलेटेड होता है, और उसमें हमें सजा नहीं होती, हमें वो पैसे लौटाने के लिए कहा जाता है, जब हम पैसा नहीं लौटाते तब हमें जेल वेल में डाला जाता है, ठीक है। तो जो दीवानी मुकदमे होते हैं उसको चलाए जा सकते हैं, स्पेशल राइट के तहत हम उन पर क्रिमिनल केस नहीं चला सकते हैं, उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। कब तक नहीं कर सकते हैं? जब तक वो अपने पोस्ट पर बने हो, ठीक है, जब तक वो अपने पोस्ट पर बने हो तब तक हम उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो पोस्ट से हटते हैं हम उन पर क्रिमिनल केस और अरेस्ट उन्हें कर सकते हैं, कर सकते हैं। इतना समझ में आया? उसके बाद हम देखते हैं क्या है डिस्क्रिशनरी पावर यानी विवेकाधिकार शक्ति, ठीक है, डिस्क्रिशनरी पावर यानी इसको हम कहते हैं विवेकाधिकार, शक्ति, ठीक है, विवेकाधिकार शक्ति। अच्छा ये क्या होता है? देखो इसमें अपनी वो बुद्धि का प्रयोग करेंगे, जैसे मान लो कि यूपी है, ठीक है, यूपी उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश में हम मान लेते हैं कि चार पार्टियां हैं ए बी सी और डी, और यूपी में हम मान के चलते हैं जो सीटें हैं विधानसभा की वो 400 है, ठीक है, 400 सीटें हैं, हम ऐसा मान के चलते। हमें सरकार बनाने के लिए यूपी में कम से कम कितने सीट चाहिए? 50% यानी 200 के आसपास सीटें चाहिए, 200 सीटें, 201 सीट अगर किसी के पास आ गई वो अकेले सरकार बना सकता है। लेकिन मान लो कि इन चार पार्टियों के पास किसी के पास 100 सीट है, इलेक्शन हुआ 100 सीट आया, किसी को 150 सीट आया, ठीक है, किसी को 50 सीट आया, और डी को भी मान लो 50 सीट आया, कितना हो गया, 50, 100, 200, 300, 350, ठीक है, और हम एक काम करते हैं इसमें 100 सीट कर देते हैं, डी को हम क्या कर देते हैं, 100 सीट कर देते हैं, 100 सीट कर देते हैं, ठीक है, अब समझो अब हो गया 400 सीट का डिस्ट्रीब्यूशन। अब बताओ क्या ऐसी सिचुएशन में क्या कोई भी पार्टी अकेले गवर्नमेंट बना पाएगी? नहीं, जब इलेक्शन के बाद किसी भी पार्टी के पास फुल मेजोरिटी नहीं आती है तो वैसी सिचुएशन को हम कहते हैं हंग असेंबली यानी त्रिशंकु, क्या कहते हैं, हंग असेंबली, असेंबली यानी इसको हम कहते हैं त्रिशंकु। त्रिशंकु की स्टोरी पता है ना, इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया गया था, वो न धरती पर आ पाए और ना ही स्वर्ग में जा पाए, वो बीच में ही लटक गए थे, तो इसलिए कोई भी सिचुएशन ऐसी हो जो न इस पार हो न उस पार हो उसको हम कहते हैं त्रिशंकु, बीच में लटक जाना, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में कोई भी पार्टी अकेले सरकार नहीं बना सकती है, तो इस असेंबली को हम कहते हैं हंग असेंबली। अब यहाँ पर गवर्नर जिसे चाहे उसे, जैसे अगर गवर्नर को लगा कि जो पार्टी बी है, पार्टी बी, मैं उसे क्या कह दूं, भैया तुम सीएम बन जाओ या तुम अपनी सरकार बना लो, लेकिन तुम्हारे पास एक महीने का वक्त है कि तुम क्या करो, एक महीने के अंदर 200 सीटें अपने फेवर में करके दिखाओ, चाहे तुम गठबंधन करो ए के साथ, सी के साथ, डी के साथ, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हारे पास एक महीने का वक्त है, तुम अपनी मेजोरिटी साबित करो। तो ऐसी सिचुएशन में, हंग असेंबली की सिचुएशन में, गवर्नर
जिसे चाहे, जिस पार्टी को चाहे उस पार्टी के किसी नेता को सीएम बना दे, यानी जो सीएम बन गया उसकी सरकार बन गई, और उसे कहेंगे एक महीने का वक्त देंगे कि वो एक महीने के अंदर क्या करें, अपनी मेजोरिटी साबित करें। ठीक है, अपनी मेजोरिटी साबित करें। बताओ मेजोरिटी के लिए, मेजोरिटी के लिए कितने दिन का टाइम पीरियड दिया जाता है? दिया जाता है 30 दिन का, समझे? 30 दिन का टाइम पीरियड दिया जाता है, 30 दिन का टाइम पीरियड दिया जाता है। डिस्क्रिशनरी पावर क्लियर हुआ क्या? डिस्क्रिशनरी पावर में बहुत डिस्क्रिशनरी पावर समझ में आया ना। अच्छा, और क्या होती है, और क्या होती है इनकी विवेकाधिकार शक्ति में? तो देखो, जैसे गवर्नर किसी भी बिल पर दो तीन चीजें कर सकते हैं, जैसे उन पर वो वीटो लगा सकते हैं। अब वीटो कई तरीके के होते हैं कि वो उसमें रिटर्न कर दें उनको, मतलब कि कोई बिल आया और उस बिल को गवर्नर ने साइन नहीं किया, वापस रिटर्न कर दिया, है ना? तो जब वापस रिटर्न करेंगे, विधान मंडल जो रहेगी उसमें कुछ सुधार करेगी और फिर से भेजेगी और फिर गवर्नर को साइन करना पड़ेगा, एक ये होता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है, जिसको हटा दिया गया है, एब्सोल्यूट वीटो तब है नहीं। उसके बाद तीसरा होता है, तीसरा क्या होता है, वो होता है जेबी वीटो, यानी पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो, यानी गवर्नर ना तो उसे रिटर्न करे विधानमंडल को और ना ही उस पर साइन करे, उसे अपने पास ही रख ले, उसे पॉकेट वीटो कहते हैं, जैसा हमने प्रेसिडेंट में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर वीटो के मामले में गवर्नर के पास एक एक्स्ट्रा पावर मिल जाती है कि वो किसी भी बिल को प्रेसिडेंट के लिए सुरक्षित रख सकता है। गवर्नर कैन रिजर्व एनी बिल फॉर द प्रेसिडेंट, तो रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट, ठीक है। यानी अगर जैसे विधान मंडल ने कोई बिल भेजा गवर्नर के पास, विधानसभा से पास हो गया, गवर्नर के पास गया, गवर्नर देखा ओहो इसमें तो सेंटर की बहुत सारी जो शक्तियां हैं, मतलब कि जो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं वो चले जाएंगे, तो गवर्नर क्या कहेगा, हम इस बिल को अभी प्रेसिडेंट के लिए रखते हैं, प्रेसिडेंट साहब जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे, ठीक है। तो अमूमन जिस बिल को प्रेसिडेंट के लिए रखा जाता है, ये मान के चलो कि वो बिल पास नहीं होता है, ठीक है, वो बिल पास नहीं होता है, तो गवर्नर के पास एक एक्स्ट्रा पावर आ जाती है वीटो में कि वो किसी भी बिल को प्रेसिडेंट के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, किसी भी बिल को सुरक्षित रख सकते हैं। तो इतना क्लियर हो गया, ये हमने सारी की सारी क्या पढ़ ली, गवर्नर की शक्तियां, जिसमें हमने विधायी, कार्यकारी, फाइनेंशियल, एजुकेशनल, इमरजेंसी, स्पेशल और डिस्क्रिशनरी पावर को समझा। बताओ भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? वो थी सरोजनी नायडू, कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। सरोजनी नायडू ने क्या कहा था गवर्नर के लिए? गवर्नर सोने के पिंजरे में बंद एक तोता होता है ना? गवर्नर इज अ पैरेट closed in golden cage। किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने कहा, ठीक है, हमारे देश की पहली महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक सेम ऐसे ही मिलता जुलता स्टेटमेंट सीबीआई के लिए कहा था, क्या कहा था, कि सीबीआई इज अ पैरेट लॉक्ड इन केज, सीबीआई इज अ पैरेट लॉक्ड इन केज। यहां पर यूज हुआ है गोल्डन केज और यहां पर यूज हुआ है केज, और ये बात किसने कही थी? सुप्रीम कोर्ट ने किसके लिए कही थी? सीबीआई के लिए। और यहाँ पर सरोजनी नायडू ने किसके लिए कहा है? राज्यपाल के लिए, ठीक है। तो अगर कोई पूछेगा कि सीबीआई इज अ पैरेट लॉक्ड इन केज, ये स्टेटमेंट किसने कहा था?
तो सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन गवर्नर इज अ पैरेट लॉक्ड इन गोल्डन केज, ये स्टेटमेंट किसने कहा था? तो सरोजिनी नायडू ने, सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो आर्टिकल 161 समझ में आ गया। उसके बाद आर्टिकल 162 समझ लेते हैं, उसमें कुछ नहीं है। आर्टिकल 162 इसमें कहा गया है कि एग्जीक्यूटिव पावर का एक्सपांशन कर सकते हैं, पावर एक्सपांशन, पावर एक्सपांशन कौन कर सकता है? तो गवर्नर, यानी जैसे एग्जीक्यूटिव, क्योंकि एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं तो किसी भी डिपार्टमेंट के। ठीक है, जैसे कि मान लो कि राज्य में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, ठीक है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, तो पीडब्ल्यूडी क्या होता है? अरे ये घर वर हो गया, उसका कंस्ट्रक्शन का, या रोड का कंस्ट्रक्शन का, या नाले वगैरह के कंस्ट्रक्शन का, जो भी काम होता है। गब्बर देखा ना, गब्बर में पीडब्ल्यूडी वाले काम करते नहीं है प्रॉपरली। हाँ, तो पीडब्ल्यूडी में अगर गवर्नर को लग रहा है कि यहाँ से कुछ जो सेक्शन है वो हमें अलग कर देना है, जैसे कि लिखा पढ़ी करने का काम अलग से किया जाएगा, ठीक है, लिखा पढ़ी, लिखा पढ़ी करने का काम अलग से किया जाएगा, या जो पेमेंट सिस्टम है, पेमेंट सिस्टम है वो अलग से लिया जाएगा, तो गवर्नर के पास ये पावर है कि वो किसी भी डिपार्टमेंट को एक्सपांड कर सकता है उसकी सहूलियत के लिए। ये आर्टिकल 162 में कहा गया है, ठीक है, आर्टिकल 162 में कहा गया। उसके बाद आर्टिकल 163 में क्या कहता है, 163 में कहता है कि गवर्नर को सजेशन देने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिमंडल, क्या होगा, मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल क्या होगा, क्या करेगा, सजेशन देगा, सजेशन इसको गवर्नर को, गवर्नर को। और इस मंत्रिमंडल के हेड कौन होंगे, हेड होंगे सीएम यानी चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, जेसन कहो या एडवाइस कहो, एडवाइस, इतना क्लियर है। और आर्टिकल 164, आर्टिकल 164 में अदर मंत्रियों की चर्चा है, आर्टिकल 164 में किसकी चर्चा है, अदर मिनिस्टर्स। ठीक है, जैसे हमने जब पार्ट 5 पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि जो मंत्री होते हैं, मंत्री को कई पोस्ट होते हैं, ए बी सी डी, ए पर हमने देखा था कौन होता है, कैबिनेट, कैबिनेट मिनिस्टर, फिर यहाँ पर होता है स्टेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री, फिर यहाँ पर स्टेट मिनिस्टर स्वतंत्र प्रभार, स्टेट मिनिस्टर ऑफ फ्री चार्ज, है ना, स्टेट मिनिस्टर फ्री चार्ज, फ्री चार्ज, ये कोई अलग से पोस्ट होता है क्या, नहीं, यही जो पर्सन होता है वही स्टेट मिनिस्टर ऑफ फ्री चार्ज का पद संभाल लेता है जब कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होते हैं। उसके बाद होता है डेप्यूटी मिनिस्टर उपमंत्री, डेप्यूटी मिनिस्टर उपमंत्री। तो जितने भी कैबिनेट होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स और स्टेट मिनिस्टर्स को अगर मिला करके एक अलग ग्रुप बनाया जाए तो उसे हम कहेंगे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिमंडल, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यानी उसको मंत्रिमंडल। लेकिन ये सारे के सारे लोग मिल करके क्या बनाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद का हेड कौन होता है, सीएम, और मंत्रिमंडल का भी हेड कौन होगा, सीएम। ठीक है, तो हम कहेंगे मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल में उन्हें रखा जाता है जो डिसीजन ले सकते हैं अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड, कैबिनेट ले सकता है, सबसे बड़ा वही होता है, और फिर जो स्वतंत्र प्रभार होता है, स्टेट, स्टेट मिनिस्टर ऑफ फ्री चार्ज, स्टेट मिनिस्टर फ्री चार्ज, वही वही डिसीजन कब लेने लगता है, जब कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होता है, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होता है, तो हम कहे स्टेट मिनिस्टर कहे या स्टेट मिनिस्टर फ्री चार्ज कहे, दोनों एक ही आदमी है। ठीक है, उसको मिलाकर के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिमंडल बनता है। तो आई होप हमने जितने भी आर्टिकल पढ़े, कौन कौन से,
160, 161, 162, 163, 160, सारे के सारे क्लियर है। 161 में हमने क्या देखा, स्ट्रा इमरजेंसी सिचुएशन, 161 में हमने हार्डनिंग पावर, 162 में हमने क्या देखा, एक्सपांसन ऑफ एग्जीक्यूटिव या डिपार्टमेंट। उसके बाद 163 में हमने देखा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और 164 में अदर मिनिस्टर। तो आई होप इतना क्लियर है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में।